अस्सलामुअलैकुम माई टू फैमिली, आप लोग कैसे हो। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए कुछ स्नैक बना रही हूँ। तो सब मैंने सबसे पहले रख दिया था डॉग को रेस्ट होने के लिए। और यहाँ पे हमारा जो डॉग एकदम परफेक्टली रेस्ट हो गया है, तो उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके उसका थिन पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। तो एकदम छोटा सा इसका मैं बॉस बनाऊँगी। तो अगर तुम छोटा छोटा भी बना सकते हो, लेकिन मैंने झटपट बनाने के लिए तीन बॉल्स बना लिया है। और उसको अच्छी तरह से हाथ से गोल करके इस तरह से प्रेस करके थोड़ा सा चपटा कर लिया है। और इसी तरह करके मैंने सारा बॉल्स को रेडी कर लिया है। और अभी इसको मैं एयर फ्रायर में रखूँगी। तो एयर फ्रायर में बना रही हूँ तो झटपट बन जाता है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो स्नैक है बन के रेडी हो गया है, एकदम गर्मा गर्म स्नैक रेडी है। तो ये बच्चों के लिए मैं खाने के लिए दे दूँगी। और ये देखिए बहुत ही क्रंची है ऊपर से और अंदर बहुत सॉफ्ट है, और खाने में बहुत टेस्टी है। गर्मा गर्म स्नैक बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए अंदर भी एकदम परफेक्टली कुक हो गया है, तो इस तरह झटपट बना सकते हैं। और अभी मैं खाने के लिए फिश बनाऊंगी। तो फिश को मैं फ्राई कर लेती हूँ। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट डाल के मैं फिश को फ्राई करूंगी। तो आज का जो फिश करी बनेगा, ये बनेगा स्पाइसी फिश करी मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज का पेस्ट मैंने 3 टेबल स्पून भर के डाल दूँगी। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और प्याज जब अच्छी तरह से ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा तो उसी टाइम पे डालूँगी टमाटर। तो मैंने एक बड़ा सा इसका टमाटर को चॉप करके डाल दिया है, और उसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और टमाटर जब थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी स्प्रिंग अनियन जो होता है, उसका जो व्हाइट पोर्शन है उसको मैंने चॉप करके डाल दिया है। थोड़ा सा डाला है तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा फिश करी में। तो ये डालने के बाद मैंने फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें नॉर्मल मसाला डालूंगी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने दही मिर्च पाउडर भी साथ में डाल दिया है। और धनिया पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे करी पाउडर डाला है। और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ सारे मसालों को, हमारे प्याज और टमाटर के साथ। और जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी जो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, स्वीट चिली सॉस डाल दिया है। और उसके बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, क्योंकि मैं ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने जो लाल मिर्च का पाउडर है, देखी मिर्च, सब कुछ मैंने डाल रही हूँ, तो बहुत ही स्पाइसी बनेगा। और उसके बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें पानी डालूँगी। तो पानी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाला है, और उसके बाद मैं अच्छी तरह से मसालों को पानी के साथ मिक्स किया है। और इसी तरह करके मैं पूरा कुक करूँगी मसालों को अच्छी तरह से। और जब अच्छी तरह से हमारा जो मसाला है वो कुक हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी फ्राई किया हुआ फिश, जो हमने पहले से रख दिया था फ्राई करके। और फिश को मैं अच्छी तरह से मसालों के साथ थोड़ा सा मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया है। और इसके बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स करके 1.5 कप मैंने यहाँ पे टिटली पानी यूज़ किया है। और इसके बाद मैं इसको धीमी आंच पे रख दूँगी, और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तब मैं बाकी का जो कुछ है बाद में डालूँगी। और ऊपर से मैंने चॉप टमाटर डाल दिया है थोड़ा सा, और ढक्कन लगा के छोड़ दिया है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो करी है एकदम रेडी हो गया है। तो ऊपर से मैंने स्प्रिंग अनियन को डाल दिया है, और ये एकदम कम टाइम में और झटपट बन जाता है। और एकदम सिंपल मसालों के साथ बहुत टेस्टी स्पाइसी करी बन गया है। और ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है। और अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।